खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। अपने ही पैसों की लड़ाई के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे पीएमसी खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। आज पीएमसी खाताधारक के प्रतिनिधि आरबीआई से मिले और आरबीआई ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है। और श्रेया, कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का हाथ खाली है, क्यों? पंचनामा में इसका भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल शिखा, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। जितनी भी याचिकाएं सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाईकोर्ट में दायर थी, उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। अब ऐसी तमाम याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। और अनुराग, आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस के अंदर पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई है, लेकिन जेल से राहत नहीं मिली है, क्यों बताएंगे आपको। और शगुन, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। आज पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि इस बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाठी चार्ज की ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है, जहां पाकिस्तान और इमरान सरकार के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतरे थे। लोग शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे और पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पीओके के लोगों का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को नागवार गुजरा और उन्होंने मार्च निकाल रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के लोगों की इस कदर बेरहमी से पिटाई की गई कि दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और अब भारत और पाकिस्तान की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जिसमें आपको फर्क भी दोनों देशों में समझ में आ जाएगा। देखिए, झूठ फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आज कई देशों के राजनयिकों को नीलम वैली ले जाने की कोशिश की। उधर इससे बिल्कुल अलग तस्वीर हिंदुस्तान में नजर आई, जब गुरु नानक जयंती से पहले 90 देशों के राजनयिक दर्शन के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंचे। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आज ऐतिहासिक पल का गवाह बना। गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व से पहले करीब 90 देशों के राजदूतों ने आज एक साथ स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ विदेशी राजदूतों का ये दल स्वर्ण मंदिर पहुंचा था, जहां उनका पूरी परंपरा के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री सभी राजदूतों को दर्शन कराने के लिए दरबार साहिब ले गए। स्वर्ण मंदिर में करीब 90 देशों के राजदूतों का ये दौरा कूटनीतिक तौर पर काफी अहम है। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर करार होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अपने ही पैसों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे पीएमसी बैंक के लाखों खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आरबीआई ने पीएमसी के खाता धारकों से मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है। आज पीएमसी खाता धारकों के 6 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने आरबीआई अधिकारियों से बैठक की। पीएमसी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हुई है। आरबीआई गवर्नर आज प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिल सके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खाता धारकों से 30 तारीख तक का समय मांगा है। 30 तारीख को आरबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना फैसला सुनाएगी। 25 अक्टूबर को पीएमसी मामले पर आरबीआई मीटिंग करेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। आरबीआई के साथ बैठक में ये मांग की गई है कि जिन 6 खाता धारकों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख की मदद दी जाए। आज की मीटिंग में कोई भी बात लिखित में नहीं हुई है। तो आरबीआई ने पीएमसी डिपॉजिटर्स का आज दर्द सुना। पीएमसी के खाता धारक अपने पैसों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंक से रुपए ना निकलने की वजह से उनके घर की हालत बिगड़ती जा रही है। पीएमसी खाता धारकों ने मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया और अब तक इस बैंक घोटाले में 6 लोगों की मौत का शोक भी मनाया। एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेवा और उनके परिवार का पैसा भी पीएमसी बैंक में फंसा है और राजेश्वरी के मुताबिक उनके घर की स्थिति अब बिगड़ रही है। अब बच्चों की फीसें नहीं जा रही, लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं जा रहे, लाइफ बंद हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट में सबके साथ खड़ी हूँ। वहीं इतनी शक्ति हमें देना दाता गाने से मशहूर हुए सिंगर कुलदीप सिंह भी पीएमसी के पीड़ितों में शामिल हैं। अच्छा, बस मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, मुझे पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊंगा पैसा? तो ये निजी जिंदगी पर तो बहुत ऐसा असर पड़ा, फिर जीवित इसलिए कि संगीत मेरे साथ। उधर मुंबई की विशेष अदालत ने पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वर्धवान और सारंग वर्धवान की ईडी कस्टडी 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, जबकि सुरजीत सिंह अरोड़ा को 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदूवादी कमलेश तिवारी की हत्या के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हथियारों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। सवाल यह है कि सबूत मौजूद हैं, दोनों संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन यूपी पुलिस 5 दिन गुजर जाने के बाद भी हथियारों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में संदिग्ध शाहजहांपुर में सीसीटीवी फुटेज में दिखे। इसके बाद एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस की टीमों ने मदरसों और होटलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास पैराडाइज होटल के सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखे। इसके बाद मोहल्ला जलाल नगर और शहबाज नगर आदि स्थानों पर छापेमारी की गई। इससे पहले पुलिस ने लखीमपुर से ड्राइवर तौहीद और उसके साथी छोटे को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्धों ने सोमवार रात 9:30 बजे लखीमपुर के पलिया से इनोवा कार किराए पर ली। कार का ड्राइवर तौहीद था। दोनों आरोपियों ने नेपाल जाने के लिए कार बुक कराई थी, लेकिन दोनों ने ड्राइवर से नेपाल की जगह शाहजहांपुर चलने को कहा। रास्ते में एक आरोपी ने तौहीद के मोबाइल से किसी महिला को फोन किया और उससे गुजराती में कुछ बातचीत की। बात करने के बाद दोनों आरोपी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास उतर गए। ड्राइवर तौहीद जब वापस निकल गया, तभी महिला का फोन तौहीद को आया कि जिससे बात हुई थी वो कहाँ है। तौहीद ने बताया कि वो उतर गए। वाकई बड़ा सवाल है ये श्रेया। और कमलेश तिवारी हत्याकांड में आज एबीपी न्यूज ने एक और बड़ा खुलासा किया। फरार एक आरोपी अपना एक फेक अकाउंट बनाकर कमलेश तिवारी के करीब आया था, ये बड़ा खुलासा हुआ है एबीपी न्यूज पर। मुख्य आरोपी अशफाक ने कमलेश का विश्वास जीतने के लिए रोहित सोलंकी बनकर मुलाकात की थी। इसके लिए उसने न सिर्फ रोहित सोलंकी के नाम से फर्जी आईडी बनाई, बल्कि हिंदू समाज पार्टी नाम से फेसबुक अकाउंट खोलकर करीब 4,000 लोगों को इससे जोड़ा। कमलेश तिवारी पर प्रभाव जमाने के लिए वो जय श्री राम के नारे भी लगाता था। एटीएस के मुताबिक अशफाक ने मार्च में कमलेश से रोहित बनकर बात की और पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई और पार्टी से जुड़ा भी। पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ही वो हत्या के दिन कमलेश तिवारी से मिलने गया था। उधर गुजरात वारछा के रहने वाले असली रोहित सोलंकी ने अपना आईडी इस्तेमाल करने और धोखेबाजी की शिकायत की। अशफाक ने रोहित सोलंकी के नाम से नकली फेसबुक आईडी बनाई, नकली आधार कार्ड भी बनाया। उधर वारधा में रहने वाले असली रोहित सोलंकी एक दवा की कंपनी में एमआर है और उनके मुताबिक अशफाक उनका मैनेजर था। क्या है सर, जो मैं जिस कंपनी में काम करता था, अशफाक उस कंपनी का मैनेजर था, मैं उसके अंडर में काम कर रहा था और हमारे ऑफिशियली जो कंपनी रहती है मेडिकेयर वाली, उसमें हमें सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुटनी कार्ड सभी देना रहता है ऊपर कंपनी में एचओ में, क्योंकि सैलरी के लिए, सैलरी स्लिप के लिए। इसी तरह मैंने अपना ये सब डॉक्यूमेंट उसे सबमिट किया था और उसके थ्रू डायरेक्ट एचओ में जाता है ऊपर कंपनी में, तो इसी वजह से उसने मेरा आधार कार्ड ऐसे मिसयूज, बोगस यूज किया। उधर कमलेश हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने दोनों आरोपियों की फोटो जारी की है और सोशल मीडिया पर और लोगों से पहचान की अपील की है। जिस अशफाक का जिक्र शिखा इस रिपोर्ट में किया गया, आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सूरत में उस अशफाक के घर पहुंचा, लेकिन वहां पर ताला लटका मिला। सूरत के इसी अपार्टमेंट में अशफाक अपने परिवार के साथ रहता था। 303 नंबर के फ्लैट में अभी ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन से घर पर ताला लगा हुआ है। इस घर में अशफाक अपने माता पिता के साथ रहता था। अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से मिले। पीएम मोदी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ बैठक के बाद ट्वीट किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ शानदार बैठक हुई। मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता है। हमने विभिन्न विषयों पर एक स्वस्थ और व्यापक बातचीत की। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। वहीं पीएम से मिलकर आए अभिजीत बनर्जी से जब इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड बाय क्रैकिंग अ जोक अबाउट हाउ द मीडिया इज ट्राइंग टू ट्रैप मी टू से एंटी मोदी थिंग्स। ही हैज बीन वाचिंग द टीवी, ही हैज बीन वाचिंग यू गाइस एंड ही नोज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। और अब सोशल मीडिया अकाउंट वालों के लिए एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट के आधार से जोड़ने का केस अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दुरुपयोग रोकने पर नीति बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम तैयार हो जाएंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट केस पर सुनवाई करेगा। इस केस में मद्रास, एमपी और बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित थी। अब सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब समझिए कि इससे होगा क्या, क्यों, ये खबर आपको जानना जरूरी है। नए नियम बनने से सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, फर्जी खबर, पब्लिक ऑर्डर और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। जिसके अकाउंट से ऐसे पोस्ट किए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है।
हालांकि सीबीआई केस में जमानत मिलने के बावजूद अभी चिदम्बरम को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चिदम्बरम अभी इसी केस में 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को 1,00,000 के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही चिदम्बरम को शीर्ष अदालत की ओर से विदेश जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही पूछताछ के दौरान उन्हें मौजूद रहने की भी शर्त है। बता दें कि चिदम्बरम को सीबीआई ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इकबाल मिर्ची के गुर्गे हुमायूं मर्चेंट को ईडी ने आज मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इकबाल की अवैध संपत्ति, कारोबारी रिश्ते और राजनीतिक साठगांठ से जुड़े मामलों पर लेखा जोखा हुमायूं का रहता था। बताया जा रहा है कि हुमायूं मर्चेंट इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्तियों की डील करता था। उसने लंदन और देश की कई जगहों पर इकबाल मिर्ची की संपत्ति की डील कराई। शक है कि मुंबई के वर्ली इलाके की डील भी हुमायूं मर्चेंट ने ही कराई। इसी डील को लेकर ईडी ने पिछले दिनों एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की थी। ईडी को यकीन है कि हुमायूं से पूछताछ के बाद इस मामले में अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। ईडी जिस तरह तेजी से इस केस की जांच कर रही है, उससे आने वाले दिनों में प्रफुल्ल पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चिन्मयानंद केस की, जिसमें एसआईटी ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। उधर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में भेजी गई एलएलएम की छात्रा को फौरी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आज छात्रा को जमानत नहीं दी। हाईकोर्ट ने हालांकि जमानत अर्जी पर यूपी सरकार, एसआईटी व अन्य से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट अब पीड़ित छात्रा की जमानत याचिका पर 6 नवंबर को दोबारा सुनवाई करेगी। जमानत नहीं मिलने से पीड़ित छात्रा को दिवाली अब जेल में ही बितानी पड़ेगी। चिन्मयानंद की तरफ से भी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया गया था। पीड़ित छात्रा और उसके 3 साथियों पर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा 25 सितंबर को गिरफ्तार हुई थी। उसकी जमानत पहले सीजेएम कोर्ट और उसके बाद जिला जज कोर्ट से खारिज हो चुकी है। विराट कोहली ने आज देश को दिवाली से पहले जीत की खुशियां दी। जीत भी ऐसी कि नया इतिहास बन गया। पारी और 202 रन से जीत के साथ भारत ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। घर में ये भारत की लगातार 11वीं टेस्ट सीरीज जीत है। रांची टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हें मिला। रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में 212 रन बनाए। रोहित ने सीरीज की 4 पारियों में 529 रन बनाए। रांची टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 497 रन का पहाड़ सा स्कोर बनाया था। इसके बाद गेंदबाजों ने पहली पारी में अफ्रीका को 162 रन, वहीं दूसरी पारी में 133 रन पर ढेर कर दिया। मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने टेस्ट में 5-5 विकेट लिए।